press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेसी कैंपस। अभी हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट देखा होगा आपने, उसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है, आपको इसमें क्वेश्चंस देखने के, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। बाकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बताया कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का, और सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, और मैं यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स और उनके नंबरिंग भी लिखे हुए हैं, देखिए आप ए बी सी डी टू जेड, और रिवर्स में भी लिखे हुए हैं ए बी सी डी टू जेड, ठीक है, और नंबरिंग भी लिखे हुए हैं। तो इसका यूज हम इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं कि कैसे इनका यूज इसमें इन क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है जियो इज इक्वल टू 32, जो जियो का कोड है वो 32 लिखा हुआ है, और सी के लिए एस एच ई इज इक्वल टू 49, जो सी की वैल्यू है या सी का कोड कह सकते हैं, या सी की वैल्यू है वो 49 गिवन है। तो हमें निकालना है सम के लिए कि सम की वैल्यू क्या होगी या फिर सम का कोड क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जियो इज इक्वल टू 32 है, सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए ए बी सी डी, अब जी की वैल्यू यहाँ पे 7 है, और ओ की वैल्यू आप चेक करेंगे, ओ की वैल्यू क्या है 15, ठीक है ना। सो ओ की वैल्यू 15 है, जी की वैल्यू 7 है, 15 जी की वैल्यू 7 और ओ की वैल्यू 15 आप ऐड करेंगे, सो 22 आता है, 32 नहीं आ रहा है। वी कैन से कि 22 प्लस 10 इज 32 हो सकता है। नेक्स्ट हम से एस एच ई में भी चेक कर लेंगे, वैल्यूज निकालते हैं। एस की वैल्यू अगर आप देखें तो एस की वैल्यू 19, एच की वैल्यू आपकी 8, एंड ई के लिए वैल्यू आपकी 5। अगर आप इन्हें ऐड करें तो आपके पास होता है 19 प्लस 8 इज 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 10 भी 49 नहीं होता, दैट मीन्स जो हम ये लॉजिक इसमें लगा रहे हैं वो क्या है, रॉन्ग है। तो दूसरे तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें दूसरी अप्रोच देखें तो जी की अगर हम रिवर्स में चेक करेंगे, जी की वैल्यू रिवर्स में कितनी होती है, तो आप अगर जी की वैल्यू रिवर्स में देखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। जियो में जी की वैल्यू रिवर्स में होती है 20, क्लियर। ओ की वैल्यू अगर आप रिवर्स में चेक करें तो ओ की वैल्यू रिवर्स में कितनी हो जाएगी 12, सो 20 प्लस 12 इज 32, और गो की वैल्यू हमें गिवन भी क्या थी 32, ठीक है। सेम इसे एस एच ई सी में भी चेक करते हैं, एस की वैल्यू रिवर्स में अगर हम चेक करें, एस की वैल्यू रिवर्स में, सो एस की वैल्यू रिवर्स में 8, एच की वैल्यू आप रिवर्स में चेक कर सकते हैं 19, एंड ई के लिए वैल्यू 22, अगर हम इन सबको ऐड कर लें सो द आंसर इज 49, तो सी के लिए क्या आ जाएगा कोड 49। सेम है, हमें सम के लिए कोड निकालना है, सो एस की वैल्यू रिवर्स में भी हमने चेक की थी 8, ओ के लिए 12, एम के लिए अगर आप चेक करें तो रिवर्स में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एम के लिए 14, ठीक है, और ई के लिए आपकी रिवर्स में वैल्यू देगी 22, सो ऐड कर लेंगे सबको, ठीक है, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 12 इज 42, 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपके पास 56, ठीक है, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 12 आपका 42 आ जाएगा, और 42 प्लस 14 हमारा 56 हो गया, दैट मीन्स सम के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है इसमें जो वैल्यूज है उसका मल्टीप्लाई कर रखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन कर रखा हो, ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें एडिशन कर रखा है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है आप, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें है वो गिवन है 80 इज इक्वल टू 20, जो 80 का कोड या वी कैन से 80 की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है, बैट बी 80 की वैल्यू हमें गिवन है 40, सो हमें सी 80 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एट की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही अगर आप चेक करें 80, ए की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, एंड टी की वैल्यू क्या होती है
50 आप चेक करेंगे तो 20। सो मल्टीप्लाई करें अगर हम आपस में तो 20 × 1 = 20 वैल्यू आ रही है। सेम एज बीएटी में बैट में बी की वैल्यू 2, ए की 1, अगेन टी की 20, मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को तो क्या आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, ऐसी कैट में अगर हम निकालें सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 20, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 60। सो सी ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 60 और वी कैन से सी ए टी के लिए कोड क्या हो जाएगा 60। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा मशीन के लिए वैल्यू लिखी है 19, 7, 9, 14, 15, 20 एंड 11। क्लियर, मशीन के लिए हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है और सेम कोड हमें डेंजर के लिए निकालना है। ठीक, अब अगर आप चेक करें केवल एम पे फोकस करते हैं, एम की हमारे पास जो एम का कोड गिवन है वो दिया हुआ है 19, लेकिन हमारे पास एम का कोड क्या होता है आपका 13। ठीक है, और एम का कोड यहाँ क्या लिखा हुआ 19। ऐसी नेक्स्ट हम चेक करें ए के लिए तो उसने ए के लिए कोड लिखा हुआ 7, जबकि ए का कोड होता क्या है 1। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे हर ए के कोड में कितना ऐड कर रखा है उसने 6 ऐड, मतलब एम की वैल्यू होती 13 है लिखा हुआ 19 है, दैट इज प्लस 6 किया हुआ है। ए की वैल्यू होती 1 है लिखा हुआ 7 है, दैट इज प्लस 6 किया हुआ है। ऐसे हम आगे देखें सी के लिए, सी की वैल्यू होती 3 है और उसने लिखा हुआ है 9, दैट इज अगेन प्लस 6 किया हुआ है। ऐसे अगर H के लिए, H की वैल्यू देखें हम, H के लिए वैल्यू होती है 8 और उसने लिखा हुआ 14, दैट मींस प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14। तो जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है जिस भी अल्फाबेट की उसमें उसने प्लस 6 ऐड किया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें हमें कोड निकालना है डेंजर के लिए, ठीक है ना, हमें डेंजर के लिए कोड निकालना, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। D के लिए 4 है तो 6 + 4 = 10, A के लिए 1 तो 1 + 6 = 7, N is 14, so 14 + 6 = 20, G is 7, so 7 + 6 = 13, again E is 5 + 6 = 11, ठीक है, और R is 18, so 18 + 6 = 24, so answer is this, ठीक है। तो इसमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्लस सिक्स क्या किया हुआ था आपका, ऐड किया हुआ। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास प्रताप के लिए कोड गिवन है, लिख लेते हैं PRATAP, प्रताप के लिए उसने कोड लिखा हुआ है 16, 18, 120, 116। और नवीन के लिए हमें कोड निकालना है। अगर आप चेक करें इसमें तो P के लिए वैल्यू, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करूं मैं अगर, तो 16 है, सो P के लिए वैल्यू 16 हो गई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 है और ये भी A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। ठीक है, सो R के लिए बसता आपके पास 18, सो R की न्यूमेरिकल वैल्यू 18 ही होती है, और T के लिए 20, तो T की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 होती है। दैट मीन्स सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी है वहाँ पर डायरेक्ट। सो N के लिए हमारे पास N की वैल्यू होती है 14, A के लिए 1, V के लिए आप चेक कर लेंगे 22, I के लिए अगर आप चेक करेंगे सो 9, एंड अगेन N के लिए चेक करेंगे तो 14। सो हमारा फिर से कोड क्या हो जाएगा 14, 1, 22, 9, 14। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोड आ जाएगा। इसमें जो डिफरेंट टाइप और क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, उसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ठीक है, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। सबकी वैल्यूज दे रखी हैं कि किसको क्या कहा जाए। ठीक है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। ठीक, ह्यूमन ब्लड का, इंसान के खून का रंग होता है लाल, दैट मीन्स रेड, और उसने उसमें कहा है कि रेड इज कॉल्ड येलो, सो आवर आंसर इज येलो। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, इसी तरह से आपको एक बेसिक क्वेश्चन देता है और सारे कलर्स या किसी भी और चीज की वैल्यूज कुछ और दी होगी, जैसे इसने इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाइट को अगर हम ब्लू कहें, ब्लू को रेड कहें, रेड को येलो कहें,
तो ह्यूमन ब्लड होता है वो रेड होता है, तो रेड को क्या कहा है उसने, येलो। सो हमारा आंसर इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येलो। ठीक, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, तो आदमी किसमें सोएगा, तो आदमी कहां सोता है, बेड पे, और उसने क्या लिखा हुआ है, बेड इज कॉल्ड विंडो, सो आवर आंसर इज विंडो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, खिड़की। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग आपके पास क्वेश्चन आते हैं, हमने सारे टाइप इसमें कवर कर लिए हैं, तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।